जैन जी, थोड़ा विस्तार में मुझे समझाइए, जो 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड प्रोवाइड करने का ये जो प्रावधान किया गया है, जिसमें डायरेक्ट पैन इंडिया अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, ये दरअसल 47 लाख युवाओं को जो एग्जिस्टिंग है उनको अफेक्ट करने वाला है, या फिर जो पहले से आप स्कीम्स लाते आए उसी का ये एडिशनल कुछ? नहीं, आप बहुत धन्यवाद आपने इस बात को उठाया, क्योंकि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जैसे पहले भी पूछा गया कि हम लोगों को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, हमें क्या स्किल्स मिलेंगे, हमें अच्छे रोजगार कैसे मिल सकते हैं, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ऐसे है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके स्किल्स में बढ़ोतरी हो रही है, और उसका खर्चा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार उस कंपनी को पैसे दे रही है जिसमें स्किल्स एक्वायर, ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग का पैसा सरकार देगी जी, और 47 लाख हाईली स्किल्ड लेबर तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, आप जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की पहले जिक्र किया, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाकर ये कर सकते हैं, आप होटल में हॉस्पिटैलिटी में जाकर कर सकते हैं, आप विमानन सेवा वगैरह में है उसमें। सर, एमएसएमई इस बार थोड़े निग्लेक्टेड नहीं हो गए कुछ भी, मतलब एमएसएमई को लेकर कोई सिर्फ अगर एमएसएमई फेलियर होगा तो 95% पैसा सरकार वापस उसको कर देगी, ये प्रावधान। ये सिर्फ एक प्रावधान मद्देनजर की बहुत सारे, दैट इज नॉट स्वीपिंग, दैट इज ओनली कोविड काल के, कोविड इफेक्ट जो कोविड काल में हुआ उसका पैसा। अच्छा, पर डिफेंस पे जो बढ़ोतरी हुई है और होनी चाहिए थी, मुझे लगता है और होनी चाहिए डिफेंस की जो बढ़ोतरी, क्योंकि इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी भारत में ही रहेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है। डिफेंस की बढ़ोतरी और होनी चाहिए थी, डिफेंस में मैंने चेक किया था करीब 3 लाख करोड़ की, करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। आई वुड हैव प्रेफर्ड, मुझे ज्यादा बेटर लगता अगर ज्यादा होती, और इसलिए मैं बहुत शांति प्रिय हूँ। बहुत लोग अटैक करते हैं आपको कह कह के आप शांति, मैं बहुत शांति प्रिय हूँ, लेकिन आज जब हमारे बॉर्डर्स पर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक्सेस से प्रॉब्लम है, चीन अरुणाचल में भी तमाशे कर रहा है, मुझे लगता है हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनिंग मैसेज देना चाहिए था, जहां पर हमसे चूक हुई है। 24 पार लगा देगा ये बजट। जैन जी, अब आते हैं असल मुद्दे पर, क्योंकि देखिए आपने चमकाने की तो वैसे ही 24 तो वैसे ही पार हो गया अंजना जी। पहले से ही पार है, आपको क्यों चिंता है? दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है कहा जाता है, जोड़ क्या रही है श्रीनगर बहलाने का ख्याल अच्छा है, उनको कहना ही है, लेकिन वो भी जनता से जुड़ी हुई है, मैं भी जनता से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ देखिए इतने सारे छात्र हैं, अगर आप उनसे विकल्प पूछे तो मुझे लगता है एकदम स्पष्ट वही बता रहे हैं, गुलाब जामुन खा के मुंह मीठा कर ले कि कमल का कमाल चल रहा है। नहीं मतलब, चलिए एक और मुद्दे को यहाँ पर टच कर लेते, क्योंकि हम अपने प्री बजट डिस्कशन में भी ये हमारा अहम मुद्दा था जैन जी, और वो था कि कैसे जीडीपी और ग्रोथ रेट, जिसका एक लक्ष्य तय किया गया है, उसकी ओर आप बढ़ेंगे, जिसमें ये कहा गया था, और सुप्रिया भी बार बार जिक्र कर रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खासतौर पर उन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बात आपने स्वयं कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और पैसा डालने की जरूरत है, तभी रोजगार उत्पन्न होगा, तभी लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, और तभी ये ग्रोथ का टारगेट अचीव होगा। क्या उस टारगेट की ओर ये बजट बढ़ा है? नेहा जी ने मेरी क्लास बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छी, तो सब प्राथमिकता है, अगली क्लास हम नेहा बातमगी करेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब समझा, नहीं बिल्कुल सही, और देखिए अगर इस बजट में आप देखेंगी आपको वही नजर आएगा जिसको हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या फायदा है, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और उसको ही इतना प्रोत्साहन दे दिया गया है, जहां 7.5 लाख करोड़ था उसको अब 10 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी रेलवेज में, हाईवेज में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में दबादब खर्चा होगा, और इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो फायदा यह है कि उसका रोजगार उसमें उत्पन्न होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से रोजगार उससे हो जाता है। दूसरा कि जो हम लोगों के लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट हैं, या हम लोगों को दुनिया में जो ग्लोबली कम्पेटिटिव बनना है, हमारे कॉस्ट कम हो जाते हैं, हम ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाते हैं, और तीसरा जो उसमें ये है कि उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सीमेंट में भी जा रहा है, स्टील में भी जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी जा रहा है, इन सब जो है इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को भी आप प्रोत्साहन देते हैं, तो निवेश हम जितना करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जितना करें वो बहुत बढ़िया। मुस्कुरा रही हैं सुप्रिया, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं लेते हैं? अंत्योदय स्कीम बजट, अंत्योदय मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि जयन जी को मैंने एज एन एंकर एंड एडिटर भी बहुत इंटरव्यू किया है, और तब भी हम यही सुनते थे कि बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो पिछले 5 सालों में ये मल्टीप्लायर नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत गरीबी बढ़ी है इस देश में, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट मुझे लगता है 2023 से एक फिर से अनाज, मुफ्त अनाज देने की योजना है,
मतलब ये कब तक चलेगा? नहीं, आप ये देखिए कि देश आज इस कगार पर है कि आपको 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है लाभार्थी के नाम पर। हाँ, दोनों एस्पेक्ट देखिए, वास्तविकता ये है, चाहे वो भारत की आप बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, कि आपको समाज का कल्याण करना ही है, वेलफेयर देना ही देना है, एक बस एक फाउंडेशन, एक धरोहर बनाना होता है, वो हर अर्थव्यवस्था में, हर देश में किया जाता है, वेलफेयर होता ही है। दूसरा कि आपको एम्पावरमेंट भी करना है, जिसमें कि हमारे युवा जो हैं बेहतर से बेहतर उनको रोजगार मिले, हमारी कंपनीज जो हैं ग्लोबली कम्पिटेटिव हों। और हर बजट में, और जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा, जब उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू किया, 8-9 साल पहले इंटरव्यू किया, हम लोग तब भी वही बातें करते थे और अब भी यही बातें करते हैं, और ये एक स्थिरता आपको दिखाती है, एक दिशा इसलिए सुप्रिया जी, आपको एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड सुप्रिया जी को, अच्छी तरह सुप्रिया जी को, मुझे चिंता इस बात की देश उस कगार पर है कि आज भी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी को याद होगा कि जब हमें इंटरव्यू करती थी तो हमसे पूछती थी कि भाई हमारी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी क्यों है, आपको याद होगा। आज वही एजेंसीज जो हमको फ्रेजाइल 5 कहती थी, वो हमें कहती है कि हम एक चमकते हुए सितारे, परिवर्तन नीडल मूव नहीं हुआ। क्या अगर मैं आज आपका इंटरव्यू कर रही होती आप तो कर ही रही है, नहीं मैं एक सवाल पूछती रही है, सवाल तो पूछ रही है, सवाल ये पूछती कि एक व्यक्ति की ऐसी रिपोर्ट आई है, आपके 50 इंस्टीट्यूशन को उस पर प्रोब करना चाहिए अडानी जी पर, न सेबी से एक चू आती है, न आरबीआई से आती है, न बैंकिंग रेगुलेटर से आती है, न एसएफआईओ से आती है। और बहस के आखिरी मिनट में वो नाम आ ही गया जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो आपसे प्रश्न है ये अडानी का क्या होगा, क्या है ये मामला, विपक्ष कह रहा है जांच कराइए, क्या है सरकार का? आम आदमी का पैसा एलआईसी और एसबीआई डुबो रहे हैं और सरकार ने एफपीओ से उन्होंने रिकवर कर लिया पैसा, कहां रिकवर कर लिया, सारा रिटेल खाली पड़ा रहा है, एफपीओ हो गया। अब हम लोगों को आगे देखना होगा कि सही इस पे क्या प्रक्रिया होनी होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अगर हमारे कोई भी रेगुलेटर हैं, उनको इन पे जांच करना है, वो जरूर जांच करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, व्हाटएवर कोर्स इट टेक्स। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, नहीं इसी पर सवालिया निशान, सुप्रिया जी को अपना काम करना है, विपक्ष की तरफ से बात करें, एजेंसी को कुछ तो करना चाहिए, सरकार की चुप्पी तो होनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर क्या करना है एजेंसियों को वो तय करेंगी, बजट को किस तरह से देखना है ये जनता तय करेगी, 24 या फिर इस बार के 9 चुनावों पर है आपकी नजर।